बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमैया, आप सबके सामने फिर एक और नई रेमेडी के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घर में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हम किस तरह से अपने डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। न्यूट्रिशंस की कमी, देर रात तक जागना, मोबाइल या लैपटॉप ज्यादा देखना, ज्यादा यूज करना, तो इस वजह से हमारे आंखों के नीचे काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो अगर आपके भी डार्क सर्कल हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगी। गाइस, बहुत ही आसान सा तरीका मैं आज आपको बताऊंगी, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपके डार्क सर्कल जड़ से खत्म हो जाएंगे और आगे भी नहीं होंगे। लेकिन अपनी डाइट में न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा कीजिए, देर रात तक मत जागिए, जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा मत कीजिए, इससे भी हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो ये चीजें भी आप फॉलो करें और जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी उसका भी आप यूज करें। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होने वाली है। मैं आज आपको आई जेल बनाकर दिखाऊंगी, इसका यूज आप डेली करें तो आपके डार्क सर्कल कुछ ही दिन में खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस आई जेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मीडियम साइज का पोटैटो और उसे हम छील लेंगे। तो ये हमने छील लिया है, उसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे। तो ये हो गए हैं पीसेस। तो गाइस, अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। गाइस, ये हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एलोवेरा जेल। आप प्लांट का भी ले सकते हैं या मार्केट वाला भी आप ले सकते हैं। तो 1 स्पून हम एलोवेरा जेल की ले लेंगे। ये भी हमारे डार्क सर्कल को दूर करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, डार्क सर्कल को दूर करता है, साथ ही हमारे डार्क स्पॉट्स को भी दूर करता है। बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और विटामिन्स होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो 1 स्पून हम इसकी ले लेंगे और इसमें हम जो हमने पोटैटो का ये पेस्ट बनाया था वो ले लेंगे। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज, हमारा ये आई जेल बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से हमें यूज करना है और हम कितने दिन तक इसे स्टोर कर रख सकते हैं। तो आप कोई भी खाली कंटेनर आपके पास है, आप उसमें इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसे 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं। तो ये है हमारा, बन गया है आई जेल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस तरह से हमें यूज करना है। आप रात में लगाते हैं सोने से पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरी रात आपकी आंखों के नीचे लगा रहेगा और अपना वर्क करेगा। और अगर आप रात में नहीं लगा सकते तो दिन में भी लगा सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दिन में भी इसे यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से फिंगर पर लीजिए और इस तरह से आप इसकी 3-4 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। इस तरह से आप मसाज करेंगे ना तो आपके डार्क सर्कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कुछ ही दिन में। बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत इजीली आप इसे घर पर बना सकते हैं। बाहर की क्रीम से आप बचे रहेंगे, डॉक्टर के पास से आप क्रीम मेडिसिन लाते हैं उनसे बचे रहेंगे अगर आप इन होम रेमेडी का यूज करते हैं। इजीली आप इसे बना सकते हैं और लगाना भी आसान है। तो इस तरह से आप इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए।
पटेटो बहुत अच्छा होता है हमारे स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में, झाइयों को दूर करने में, एंटी एजिंग पर वर्क करता है, हमारे स्किन को लाइट एंड वाइट एंड बनाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। तो इस तरह से आप इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करें, उसके बाद आधे घंटे के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इतने आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो आप वर्क कर सकते हैं, घर में जो भी काम है आप वो कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर दें, और सबसे अच्छा तो ये रहेगा जो मैंने आपको बताया है कि आप रात में इसे लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और दिन में आप उठकर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। दोनों ही तरीके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात वाला यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। गाइज, अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। और अपना रिजल्ट भी मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी और भी यूजफुल से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।